चेयरमैन पीटीआई के अड्याला जेल में सेल की तौसी। चेयरमैन पीटीआई का सेल 35 फुट से 7 फुट तक बढ़ा दिया गया। जराय का यह कहना है, चेयरमैन पीटीआई ने घर के खाने और वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने की दरख्वास्त भी की है। जज अबुल हसनात जुलकरनैन के अहकामात पर जेल सुपरिटेंडेंट अड्याला जेल ने अमल दरामद भी कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने दौरान समाअत जज अबुल हसनात जुलकरनैन से सेल से मुतालिक दो मजीद दरख्वास्तें भी की हैं। जेल में खाना मुहैया करने की जिम्मेदारी जेल हुकाम की है। जज अबुल हसनात का चेयरमैन पीटीआई से मुकालमा, जज अबुल हसनात ने वर्जिश के लिए मैनुअल के तहत साइकिल मुहैया करने के अहकामात भी दे दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से, चेयरमैन पीटीआई के अड्याला जेल में सेल की तौसी। इसी पर बात करने के लिए अवैस अवासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, आज साइफर केस की अड्याला जेल में इनके अमला समाप्त हुई है। आज जो केस के में जो है चेयरमैन पीटीआई की जानब से गुजशत जो समाप्त में दरख्वास्त की गई थी कि उनका सेल बहुत छोटा है, इसे बड़ा किया जाए। तहम जब अबुल हसन जुलकरनैन ने जो है एक आवाज़ जारी किए थे कि सेल को बढ़ाया जाए, तहम आज जो है सेल को जो है वो बढ़ा दिया गया था। तकरीबन सेल जो पहले 35 फुट का था अब उसे 60 फुट तक कर गया। इसके साथ साथ आज दौरान समाप्त चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने जज अबुल हसनात जुलकरनैन से मजीद दरख्वास्तें की कि उन्हें घर से खाना लाने दिया जाए, उसके साथ साथ उनको एक्सरसाइज के लिए साइकिल मुहैया की जाए। जिस पर जज साहब का ये कहना था कि जेल से खाना लाना वो जेल में खाना मुहैया करना वो जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। तहम उन्होंने जो है सुपरिटेंडेंट को जो है साइकिल के हवाले से ये शमात जारी किए कि जेल मैनुअल के हिसाब जो है चेयरमैन तहरीके इंसाफ को फैसिलिटेट किया जाए। इसके साथ साथ जो है खसूसी अदालत आइंदा समाअत पर दायर तमाम दरख्वास्तों को इसी दिन सुनकर फैसला भी करेगी। पीटीआई की कानूनी टीम की जानिब से ठीक है, आइंदा समाअत पर फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद से अवैस अबासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।